हेलो हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और सुबह की हमारी पूजा हो रही है, और क्योंकि बारिश हो रही थी मैंने मतलब पोछा वगैरह ज़्यादा नहीं लगाया था। और यहाँ पे ये देखिए, मैं फूल तोड़ रही हूँ। पहले मेरी हिम्मत नहीं हुई फूल तोड़ने जाने के लिए, लेकिन मैंने कहा चलो तोड़ लेते हैं। फूल बहुत अच्छे खिले हुए थे तो मैंने कहा चलो पूजा में। मुझे ये देखो पैर है ना हमारे, मतलब अंदर को हो रहे थे, चप्पल इतनी गंदी हो गई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई। अरे सुबह उठे देखे क्या बारिश हो रही है, अंदर समझ में नहीं आता कमरे में, तो बाहर देखा तो बारिश बारिश हो रही है। और यहाँ पे मैं फूल तोड़ के लाई हूँ, और ये मैंने बताया था ना फूल को, नीला वाला फूल है, और यहाँ पे ये रेड इस तरह का, ये कटोरी वाला फूल है, और ये नीला वाला, ये शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं, ये 9 बजे का, ये तो मैं आपको अक्सर दिखाया है मैंने। और यहाँ पे ये जो कटोरी जैसा फूल दिखाया तो उसकी इतनी बड़ी कली होती है, ये देखिए ये खिली नहीं थी अभी। और ये तो मेरा फेवरेट फूल है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये फूल। और यहाँ पे हमारी आरती हो रही है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। और आरती करने के बाद तुलसी की आरती करने जा रही हूँ, क्योंकि तुलसी की आरती आज के दिन छूते नहीं हैं उनको, बस मैं जो जला के दूर से रख देती हूँ, उनकी पूजा नहीं करती हूँ संडे वाले दिन। और यहाँ पे मैंने बेसन निकाल लिया है, और आज क्या नाश्ते में बनाऊँगी वो आपको दिखाऊँगी। आज बच्चों ने इतनी हंसी बनाई है मेरी, मम्मी आपने तो मछली बनाई है, मम्मी आपने तो चिड़िया बनाई है, मम्मी आपने डायनासोर बना दिया, मतलब पूरे टाइम नाश्ता जब तक हुआ हम लोगों का बच्चे यही कहते रहे, मम्मी आपने तो मछली बना दी है, मम्मी आपने तो मछली बनाई है, आज बस ऐसे हंसी बनाते रहे। और आप देखेंगे, और ये नाश्ता मेरी मम्मी बनाती थी, और बचपन से देखा है मैंने। अब तो जैसे एकदम झटपट वाला काम करते हैं सब लोग, नहीं जल्दी बल्दी हो जाए वैसा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले जो काम करते थे वो लोग भी जल्दी करते थे, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने सजे पालक की, मतलब पालक के पत्तों की पकौड़ियाँ बनाई हैं, काट के नहीं बनाई हैं, काट के फिर किसी दिन मतलब दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये देख रही, इनको कह रहे थे मम्मी आपने मछली बना दी है, आपने चिड़िया बना दी, मम्मी मछली बना दी आपने, बस यही कहते रहे बच्चों। और ये देखिए इस तरीके की, इतना बड़ा पत्ता उतनी बड़ी पकौड़ी, बहुत टेस्टी बनती हैं, आप लोग अपने घर में ट्राई ज़रूर करवाना एक बार। और इसके बाद थोड़ा सा बेसन बचा था तो मैं बूंदी बना ली, क्योंकि मुझे बनाना था रायता, तो मैंने कहा साथ में ही दो काम हो जाएंगे, मैंने बूंदी मंगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे बस रायता के लिए हो गई थी बूंदी, थोड़ी सी चाहिए थी तो बूंदी भी बना ली। वो मैं किसी और दिन बताऊंगी कि मैं बूंदी कैसे बनाती हूँ। और पकौड़ियाँ हमारी तैयार हैं, ये देखिए नाश्ता लग चुका है, मछली वाला नाश्ता आया आज हमारा, बच्चों ने बहुत हंसी बनाई थी मेरी। और यहाँ पे चाय, पकौड़ी, टमाटर सॉस, आप लोग भी आ जाइएगा। और यहाँ पे हम लोगों का नाश्ता हो रहा है, और ये देव दिखा रहे हैं मम्मी ये डायनासोर है, मम्मी ये चिड़िया है, मैं चिड़िया खाऊंगा आज, मैं मछली खाऊंगा, बस यही सारी बातें होती रही। अपनी अपनी दिखा रही है मुझे कि ये मम्मी ये क्या है, तो मैंने कहा जो भी बताओ, आज तो मैंने सारा कुछ बनाया, सारी तरीके की। और यहाँ पे मैं पालक काट रही हूँ, हंसी हंसी मुझे ये लगता है मैं जल्दी काट लेती हूँ, चक्कू से बहुत टाइम लगता है, ऐसे फटाफट 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 हो। पालक काटने के बाद यहाँ कुकर में रख दिया, इसमें बस ज़रा सा थोड़ा सा ही पानी डालना पड़ता है, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा पानी छूटता है। और नमक डाल दिया है, और बस ज़रा सा थोड़ा सा ही पानी डाला है 1 गिलास, और बस रख दिया मैंने बनने के लिए। और यहाँ पे मैंने दही बनाया था कल शाम को, जमाया था वो दही है, तो मैंने जो बूंदी बनाई थी उसका रायता भी बनाऊंगी। तो पालक में मतलब कुल लोगों के यहाँ बनता है, हमारे मायके में भी ऐसे बनता है, तो हम यहाँ भी हम लोग खाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं
कभी कभी तो हो जाता है। और उसके बाद में ये सब हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ी सफाई कर देते हैं, थोड़े हाथ वाथ लग जाते। की दाल है धुली हुई, मतलब काली वाली दाल डालते हैं पालक में, लेकिन हमने थी नहीं काली वाली तो मैंने धुली हुई दाल जो उड़द की थी वो डाल दी। और यहाँ पे ये लहसुन काट रही हूँ मैं, इसका तड़का लगाऊंगी। मतलब पता नहीं भैया किसके यहाँ बनता है, किसी के यहाँ नहीं भी बनता है, ऐसा है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच आटा लिया है, कुछ लोग बेसन भी ले लेते हैं, और उसके बाद में कुछ लोग मक्के का आटा ज़्यादा मतलब सही रहता है हमारे हिसाब से। और बस इसमें 2-3 चम्मच आटा ऐसे घोल के डाल देना है और बस। और इसके बाद थोड़ा खौलाना, मतलब इसको अच्छे से खौला देना है। और मैंने बनाया था यहाँ पे तड़का हींग जीरा और उसका लहसुन डाला था, तो उसी का मैंने रायते में भी डाल दिया है। तो मैंने दोनों काम एक साथ हो गए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाली थी। और बस ये देखिए हमारी दाल बनकर, पालक की दाल हम लोग ऐसे बनाते हैं। भाई पनीर भी डाल देते हैं सब लोग, पालक पनीर तो बाद में बताऊंगी, किसी दिन और बनाऊंगी। और बस तड़का लगाने के बाद इसको खोला देना है अच्छे से। और ये देखिए हमारी दाल बन चुकी है। और यहाँ पे मैंने इनके लिए थाली लगा दी है, ये कहीं जा रहे थे तो मैंने कहा आप खाना खा लो फिर हम तो बाद में खाएंगे। और यहाँ पे पालक की दाल और रायता रोटी, आज का खाना यही था। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और अभी हमारा मतलब हमारा नहीं, ये कहीं जा रहे थे, उनका खाना लगाया है मैंने, रायता है और पालक वाली दाल है और रोटी बस। और इन्होंने खाना खा लिया, उसके बाद में हमारा खाना हो रहा है और हम खाना खा रहे हैं, तब तक ये लोग भी आ गए। मैंने कहा चलो तुम भी हमारे साथ खाना खा लो, तो इन्होंने खाना कम खाया, शैतानी ज़्यादा कर रहे हैं दोनों लोग। बस रायता खाना है, बस रायता खाना वही। हेलो दोस्तों, राधे राधे। और मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। राधे राधे।